छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार के मंत्रियों की मेहरबानी से सहायक वन विस्तार अधिकारी से संग्रहालय अध्यक्ष के पद तक पहुंचने वाले प्रताप चंद पारक को भूपेश सरकार ने मूल विभाग में भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पारक की योग्यता नहीं होने के बाद भी महेंद्र घासीदास संग्रहालय में अध्यक्ष बना दिया गया था, जिसकी खबर स्वराज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से दिखाई थी। वहीं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने प्रताप चंद पारक की नियुक्ति के संबंध में कहा है कि ये पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय का खेल है, ना उसको बचाना है और ना उसको मारना है। जिस गति से आया था उसी गति से चला गया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ये सब देन है और उन्हीं के समय का खेल है, और जिस गति से आया था उसी गति को वो चला गया। अब हमको ना उसको बचाना है ना मारना है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे यहाँ ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, जो जहां से आया था उसको हमने लौटा दिया। इंदौर में